नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज की कुछ खास खबर देखते हैं। भाजपा ने पैसे लेकर विधानसभा चुनाव के टिकट बेचे, भाजपा विधायक ने लगाया आरोप, टिकट काटने से थे नाराज। मध्य प्रदेश भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद सबसे अधिक असंतोष रतलाम में देखने को मिल रहा है। रतलाम ग्रामीण से वर्तमान विधायक मधुरलाल डामर ने टिकट काटने के बाद 1.5 करोड़ में टिकट बिकने का आरोप लगाया है। डामर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने 1.5 करोड़ रुपए लेकर दिलीप मकवाना को रतलाम ग्रामीण सीट का टिकट बेचा है। डामर के बयान के बाद भाजपा में खलबली मच गई है, वही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि एमपी कांग्रेस ने अपने अधिकारियों को ट्वीट से इसका एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के नीचे कांग्रेस ने लिखा है कि भाजपा के चरित्र का चित्रण करता वास्तविक चित्र। दरअसल दिलीप मकवाना जिन्हें भाजपा ने रतलाम ग्रामीण से टिकट दिया है, वह वर्तमान विधायक के मधुलाल डामर के घर आशीर्वाद लेने गए थे, जहां गुस्से में आकर बीजेपी विधायक डामर ने दिलीप मकवाना को भाजपा के द्वारा 1.5 करोड़ में टिकट बेचने की बात बोली। ब्यूरो हेड मयंक साधु की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।